आज हम लोग कैफे जैसी झाग वाली कॉफ़ी बनाना सीखेंगे। ये देखिए कॉफ़ी बनाई है मैंने, ये बिल्कुल वैसा ही झाग है जैसे आप कैफ़े में पीने जाते हो तो आपको जो मिलता है, तो वो कॉफ़ी हम घर में सिर्फ 2 मिनट में बना सकते हैं। इट विल टेक जस्ट 2 मिनट्स। तो आज हम इसको सीखेंगे, पर पहले जैसे मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं कि हम कॉफ़ी कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए कॉफ़ी, शुगर और एक छोटी सी बॉटल। बेसिकली छोटी सी बॉटल में रखिए कि मुझे सिर्फ 1 कप कॉफ़ी बनानी है, तो इट्स मोर देन एनफ। अप टू 2 कप आप इस छोटे से बॉटल में बना सकते हो। अगर आप ज़्यादा लोग हैं, आप ज़्यादा क्वांटिटी रखना चाहते हो, तो आप बड़ी बॉटल यूज़ कर सकते हो। अच्छा, 1 कप कॉफ़ी अगर बनानी हो आपको, तो 1 कप कॉफ़ी के लिए 1 स्पून, 1 टेबल स्पून कॉफ़ी मोर देन एनफ होती है। और आपको जैसा भी रखना है, शुगर के लिए आप क्वांटिटी यू कैन चूज़ कि आपको अगर थोड़ा कम मीठा रखना है तो आप 1 स्पून कॉफ़ी के साथ 1 स्पून शुगर ले सकते हैं, आप 2 स्पून शुगर ले सकते हैं। सो इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन यू कि आपको कैसा टेस्ट और फ्लेवर रखना है। बट आइडियल इज़ कि 1 कप अगर आप कॉफ़ी 1 स्पून कॉफ़ी ले रहे तो 1.5 स्पून शुगर इज़ मोर देन इनफ। बट आप ठीक है, आपको थोड़ा मीठा चाहिए तो आप वो ज़्यादा ले सकते हो। इस तरह क्या करेंगे, हम बॉटल में कॉफ़ी और शुगर को डाल लेंगे। और अब इस बीच में आप थोड़ा पानी गर्म कर दीजिए, एंड यू नीड ल्यूक वार्म वाटर। हाँ, इट्स नॉट कम्प्लीटली बॉयल्ड बट ल्यूक वार्म वाटर। अभी क्या होगा, जैसे हम बॉटल में ये सब कुछ फिल कर लेंगे, अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। पानी बिल्कुल नॉर्मल जो बोलते हैं ल्यूक वार्म, बिल्कुल गुनगुना होना चाहिए। उसके बाद आप इसका कैप देखिए, आपको दिख रहा है, एकदम थोड़ा ही पानी डालना है, इतना कि थोड़ा सा लेयर से ऊपर दिखे। ज़्यादा पानी डालोगे तो फिर उसके बाद क्या, इसमें वो झाग नहीं आएगा। आप कैप पुट करो और इसको अब आपको शेक करना है। यू जस्ट शेक फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट। 1 मिनट से आपको ज़्यादा शेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको शेक करते रहिए। मीनवाइल आप क्या करेंगे, दूध को हम गर्म करने के लिए चढ़ा देंगे। क्योंकि क्या होगा कि आप जैसे शेक करके आपका रेडी रह जाएगा, इतनी देर में आपका क्या जो दूध है वो बॉयल हो जाएगा। देखिए आप झाग देख सकते हैं, धीरे धीरे वो अंदर बनना स्टार्ट हो गया है। ऐसे आपको 1 मिनट तक शेक करना है इसको अच्छी तरह से। आप जितना इसको शेक करेंगे उतना ही इसके अंदर झाग बनेगा। बस 1 मिनट इज एनफ। और ये मैंने दूध गर्म करने के लिए चढ़ा रखा है, तो एक बार जैसे दूध गर्म हो जाए, इट्स शुड बी बॉयल्ड। और मेक श्योर कि आप ये ताज़ा दूध इस्तेमाल करें, क्योंकि जब ताज़ा दूध इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कॉफ़ी का टेस्ट जो है वो बिल्कुल अच्छा आएगा। कैसे बॉयल्ड है, आपने पहले से बॉयल करके रखा और वो दूध उसके साथ वो टेस्ट ना दे पाए, इसलिए ये ताज़ा दूध ले, उसको बॉयल करें। एंड देन जब आपका ये शेक करके आपका कॉफ़ी रेडी होता है, तो आप कप लीजिए, उसके अंदर आप इसको पोर कर लीजिए। ये देखिए, तो आपकी, मैंने 2 कप छोटे कप से बनाया है आपके लिए। मैं ट्रांसपेरेंट कप यूज़ करूँ तो आपको दिखे कि इसके अंदर वो झाग कैसे बनता है, तो क्या आपको वो प्रॉपर आइडिया आ जाएगा कि आप इसको कैसे झाग बनाते हैं। अब ये दूध मेरा बॉयल कर लिया मैंने, दूध को आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा ऊपर से डालेंगे तो ज़्यादा झाग आएगा, नीचे से डालेंगे तो ठीक है। ये देखिए, और ये देखिए, ये बिल्कुल झाग बनना स्टार्ट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे बनेगा। आपको थोड़ा अगर डेकोरेट करना है तो थोड़ा इसके ऊपर, या तो आप कॉफ़ी पाउडर या चोको पाउडर डाल सकते हैं। मैंने कहा जो लिक्विड बचा है इसको मैंने ऊपर से रख दिया, तो क्या थोड़ा और कॉफ़ी का फ्लेवर से आपको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी का फ्लेवर मिलेगा। स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए तो आप चोको पाउडर इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। शायद अच्छे से नहीं दिख रहा, मैं आपको अच्छे से जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल वही झाग, वही कॉफ़ी। एंड टाइम, प्रिपरेशन टाइम है जस्ट 2 मिनट्स।